गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपके केमिस्ट्री के टॉपिक में लैंथेनाइड्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन किए हैं तो उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम कवर अप कर लेते हैं। तो लैंथेनाइड में जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लैंथेनाइड में गुणों में सिर्फ हम आज एक ही गुण की बात करेंगे जो क्या होगा आपका आयनन एंथैल्पी का। तो मैं नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण अवस्था के बाद उसकी बात करते हैं और वो क्या है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। आयनन एंथैल्पी या फिर इसी को हम ऊर्जा भी बोलते हैं। आयनन ऊर्जा होती क्या है, हम आयनन ऊर्जा के लिए पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी आयनन ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। अब लैंथेनाइडों के लिए एक बात हम कवर अप कर चुके हैं कि लैंथेनाइडों में लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है या जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे उनमें संकुचन हो रहा है। संकुचन का मतलब उनके आकार में कमी आ रही है, जो परमाणविक त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है। कहने का मतलब इस नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी दूरी, जो ये डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आकर्षण बल होगा। मतलब आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रबल हो जाएगा। तो ये जो आकर्षण बल है, प्रबल है, अब उसी के कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिफ्थ या सिक्स सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमारी आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाती है, लैंथेनाइड्स की ज़्यादा। ऐसा बोलते हैं कि जो लैंथेनाइड्स हैं हमारे उनकी आयनन ऊर्जा जो होती है वो 600 किलो जूल प्रति मोल होती है। प्रथम आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं और द्वितीय आयनन ऊर्जा जो होगी दोबारा दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात तो उस टाइम इनकी जो आयनन ऊर्जा का मान है वो डबल हो जाता है। और डबल के लिए हम बोल सकते हैं कि 600 किलो जूल प्रति मोल से वो कितना हो जाएगा, 1200 किलो जूल प्रति मोल। तो यही सिर्फ एक सिंपल सी बात है जो लैंथेनाइड्स के लिए कवर अप होती है कि लैंथेनाइड जो होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। और उच्च होने का रीजन क्या हो गया कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनका नाभिक के साथ आकर्षण बल प्रबल रहता है, अतः इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा होती है वो होती है 600 किलो जूल प्रति मोल। और द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें तो होती है 1200 किलो जूल प्रति मोल। तो ये हमारा कवर हो गया है, इतना ही है। तो मैं इसको नोट डाउन करवा देती हूँ, है क्या जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो क्या होगा कि हम लिखेंगे जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइडों की आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है क्योंकि क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण नाभिक का बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण बल प्रबल होता है जिसके कारण
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे लैंथेनाइडों की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान 600 किलो जूल प्रति मोल होता है, 600 किलो जूल प्रति मोल होता है। और द्वितीय आयनन ऊर्जा का द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान लगभग दुगना मतलब 1200 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो ये लैंथेनाइडों की आयनन ऊर्जा की बात हो गई, जो 600 किलो जूल प्रति मोल है और 1200 किलो जूल प्रति मोल है। क्लियर है? अब इसी के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इसमें वो आता है विद्युत धनात्मकता का। जो हमारे लैंथेनाइड होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक मतलब उनकी प्रकृति धात्विक होती है, हम इनको बोलते हैं अंतर संक्रमण धातु, लैंथेनाइड एक्टिनाइड हो, मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक, विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक को कैसे समझेंगे, हमने इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को देखा था, तो वहां पे ये क्या करते हैं, स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, और यही इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना उनकी कौन सी प्रकृति को शो करता है, विद्युत धनात्मक प्रकृति को शो करता है। तो हम ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ चुके हैं, तो उसके बेसिस पे हमें इसमें सिर्फ दो लाइनें लिखनी है कि जो लैंथेनाइड होते हैं वो विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं, और इनमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये Al3+ आयन विद्युत धनात्मक प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ ये नोट डाउन करेंगे, इसमें एक्सप्लेन करने वाला वैसे कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलते हैं उनकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसकी प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे हम अधिक विद्युत ऋणी तत्व की बात करें तो हमारा फ्लोराइड है, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अत्यधिक है, मतलब वो ज्यादा मात्रा में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा कैपेसिटी के साथ क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, और यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण उनकी प्रकृति कैसी होगी, विद्युत धनात्मक होगी। तो हम इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं कि जो Ln है वो Al3+ में कन्वर्ट होता है तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो क्या बना देता है, Al3+ आयन बना देता है, और यही Al3+ आयन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, लैंथेनाइडों की विद्युत धनात्मक प्रकृति। आप फर्स्ट के लिए लिख सकते हैं उसमें, तो हम यहां लिखेंगे कि लेंथेनाइडो द्वारा विद्युत धनात्मक प्रकृति दर्शाई जाती है, विद्युत धनात्मक प्रकृति दर्शाई जाती है, क्योंकि क्योंकि लेंथेनाइड तीन इलेक्ट्रॉन खोकर Al3+ आयन के रूप में स्थाई होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनकी सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, जनरली वो वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो धातुओं के लिए होती है,
हम बोल सकते हैं गलनांक पदनांक है, घनत्व है, ये सारी चीजें इनके लिए क्या होंगी, उच्च होंगी, क्योंकि ये धातुओं की तरह निपिट संकुलित संरचनाएं बनाए हुए हैं, जिसके कारण जो इनके अवयवी कण है वो बहुत ज्यादा पास पास रहेंगे, तो गलनांक पदनांक भी उच्च रहेगा, घनत्व जैसी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, उच्च रहेगी। क्लियर है? तो ये तो होगी इनकी भौतिक गुणों की बात, जो हम भौतिक गुणों में पढ़ते हैं, चार टॉपिक जो हमारे थे इसके भौतिक गुणों में वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें परमाण्वीय त्रिज्या थी, ऑक्सीकरण अवस्था थी, और हमारी आज आयनन एंथैल्पी और विद्युत धनात्मकता है। क्लियर? इसके बाद जो जस्ट हमारा आने वाला है वो होता है हमारा रासायनिक गुण, लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण। अब लैंथेनाइडों के रासायनिक गुणों में भी ज्यादा कुछ नहीं है, हम लैंथेनाइडों के रासायनिक गुणों की बात करें तो पहला रासायनिक गुण जो होता है वो आता है जल के साथ क्रिया का। पहला रासायनिक गुण किसका आता है? जल के साथ क्रिया का। तो हमें सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस देखनी है इसकी, जो ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजीली आपको याद रहने वाली है, इतना कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण। अब लैंथेनाइडों के रासायनिक गुणों की बात करें तो पहला जो गुण आता है वो आता है जल के साथ क्रिया। या हम किसी अम्ल के साथ क्रिया भी इसकी बता सकते हैं, जो अम्ल होंगे वो भी जल के साथ जिस तरह से क्रिया होती है वैसे ही होगी। क्या होगा कि जल के साथ जब क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, ऐसा ही काम ये अम्लों के साथ भी करेंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस को जब रिलीज करेंगे तो जल के अंदर हाइड्रोजन के अलावा क्या रहता है? हाइड्रोक्साइड है, मतलब इनके द्वारा जो यौगिक बनेगा वो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का बनेगा। तो हम सारे कंपाउंड्स को ही एलन से शुरू करते हैं, तो एलन को ही हम क्या मान लेते हैं, आपके सीरियम से ल्यूटेशियम तक जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो जब ये जल के साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ क्रिया करेगा, हमें पता है OH पे क्या चार्ज होता है? -1। और लैंथेनम हमारे कौन से चार्ज में रहते हैं? 3+ रहते हैं। मतलब हम जब भी कंपाउंड बनाते हैं क्या करते हैं, आयंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो उनके आयंस रहते हैं। आयंस में आप प्लस माइनस को नहीं देखते, सिर्फ उनके नंबर्स को देखते हैं। तो जब नंबर मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो OH कितने आएंगे? 3, और लैंथेनम कितना आएगा? 1। मतलब इन दोनों से मिलकर के हमारा कंपाउंड बन जाएगा क्या? LnOH का होल थ्राइस। क्लियर? अब हम इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो बैलेंस कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे आपके Ln ले लूँ 2 और H2O ले लूँ 6, तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2LnOH का होल थ्राइस। तो OH 6 हो गए, सिर्फ 6 हाइड्रोजन बचे हैं, Ln जो दो थे हमारे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन बेस को रिलीज करना है, और जिसकी संख्या यहाँ पे क्या होगी? 3। मतलब हमारे 6H+ आयन यहाँ पे रह गए थे, वो 6H+ आयन आपस में कंबाइन होकर के क्या बन जाएंगे? 3 मोल क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, जो रिलीज होगी, ठीक है, बाहर मुक्त होगी। इसी के साथ दूसरा जो इसका आता है वो हम बोल सकते हैं जल के साथ क्रिया के बाद ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया को भी हम इसी तरह से लिखेंगे, क्या होगा, लैंथेनाइड जो होंगे वो O2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो O2 के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाते हैं, सीरियम ऑक्साइड है, प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड है, ये सारे क्या होंगे? लैंथेनम ऑक्साइड्स होंगे। तो जो लैंथेनम ऑक्साइड्स हैं, लैंथेनाइड ऑक्साइड्स हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं वो देखते हैं। हम कंपाउंड बनाने के लिए सीधा रिएक्शन देखिए, उससे अच्छा हमें ये पता चल जाए वो कंपाउंड बनता किस तरह का है। तो ऑक्सीजन जो होता है उस पर चार्ज होता है -2, और लैंथेनाइड जो होते हैं उन पर चार्ज होता है +3। फिक्स है? तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला क्या होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे Ln2 और O3, कंपाउंड बन जाएगा। मतलब इससे जो बनने वाला कंपाउंड है वो बनेगा Ln2O3 का। हमें सिर्फ क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यदि यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ कितने करते हैं? 2। तो 2 का मतलब है ऑक्सीजन कितनी है? 6। तो हमें यहाँ ऑक्सीजन 6 लेनी होगी, 3O2 हो जाएगा, और Ln कितने हैं? 4 है, तो यहाँ पे Ln कितने हो जाएंगे? 4। हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो इस तरह से जो लैंथेनाइड है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लैंथेनम ऑक्साइड। और ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी क्लास में कि जो भी आप रिएक्शन लिखते हो तो रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम जरूर लिखोगे। तो
ये तो हम लिख देंगे, लैंथेनॉइड है, जल है, मैं इनके नाम लिख के नीचे लिख देती हूँ, बाकी मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ, अगर कहीं भूल भी जाओ तो तुम लोग खुद लिखोगे, लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड क्या है, लैंथेनॉइड का मतलब क्या है, सीरियम, प्रेशियोडाइमियम, जो भी कंपाउंड हम एलन की जगह लेंगे वो क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ठीक है, तो ये लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड हो गए और ये लैंथेनॉइड ऑक्साइड हो गया, लैंथेनॉइड ऑक्साइड। इसी तरह इनकी एधातुओं के साथ भी क्रिया होती है, एधातु मतलब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ भी क्रिया करेंगे, सल्फर है, सल्फर के साथ भी क्रिया करेंगे, तो ये जो हमारी हाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया को हम जनरली बोलते हैं वायु के साथ क्रिया, जैसे जल के साथ क्रिया होती है वैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, तो वायु के साथ क्रिया करके ये इस तरह से लैंथेनॉइड ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वायु के साथ क्रिया के बाद, उसको हम बोल सकते हैं एक साथ में अधातुओं के साथ क्रिया, अधातुओं के साथ क्रिया, अधातुओं के साथ क्रिया में मैं सबसे पहले लिख रही हूँ हैलोजन के साथ क्रिया को, ठीक है। तो आप एक इसमें ए पॉइंट लिखोगे जो क्या होगा, हैलोजन के साथ क्रिया का, हैलोजन के साथ हेलोजन मतलब एक्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो हमारी जो एक्स है उनके साथ जब भी क्रिया होगी तो ये क्या बनाएंगे, लैंथेनॉइड हैलाइड मतलब सीरियम हैलाइड, प्रेसियोडाइमियम हैलाइड, इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, नियोडाइमियम हैलाइड, मतलब जो लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक के कंपाउंड है वो एक्स के साथ अभिक्रिया करके कुछ इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। तो अब हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारा एलन होगा, यहाँ हम एक्स लिखेंगे और एक्स क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, द्वि परमाणु फॉर्म में, मतलब वो क्या होगा, एक्स टू होगा। अब इसी एक्स टू की तरह हम कंपाउंड बनाना चाहें तो वो बनेगा एल एन एक्स थ्री का, देखो कैसे बनेगा एल एन एक्स थ्री का, तो एल एन है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस टू, एक्स है एक्स की कितनी है माइनस वन, एक्स मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कितनी है माइनस वन, तो ये माइनस वन और प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी आपस में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा एल एन एक्स थ्री, मतलब लैंथेनॉइड हैलाइड जो होंगे वो इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, तो इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे मतलब यहाँ हमारा कंपाउंड बनने वाला है एल एन एक्स थ्री का, यदि मैं इसको टू करती हूँ तो मुझे यहाँ एक्स कितने रखने होंगे थ्री, और एल एन यहाँ कितने कंपाउंड में टू है, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, लेंथेनम भी कितने होंगे, लेंथेनोइड भी कितने होंगे सॉरी, तो ठीक है ये लेंथेनम नहीं है लेंथेनोइड है, लेंथेनम का सिंबल जो होता है वो याद रखना क्या होता है एल ए होता है, ये लेंथेनोइड है जो पूरी की पूरी सीरीज को, जो पूरे 14 तत्व है उनको रिप्रेजेंट करते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक। अब इसी के बाद हाइड्रोजन के साथ क्रिया के बाद हम अधातु की क्रिया में दूसरा जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं आपका, इसके नीचे नाम लिख लेना लैंथेनॉइड हैलाइड, तो यहाँ नेक्स्ट जो है वो हम नाइट्रोजन के साथ भी इसकी क्रिया करवा सकते हैं, सल्फर के साथ भी करवा सकते हैं, तो उन दोनों अधातुओं के साथ ही इनकी क्रिया को देख लेते हैं, तो बी हमारा पॉइंट आता है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ क्रिया, नाइट्रोजन के साथ क्रिया, नाइट्रोजन के साथ क्रिया। अब नाइट्रोजन के साथ क्रिया होगी तब हमारा एल एन होगा, नाइट्रोजन भी द्वि परमाणु फॉर्म में होती है मतलब एन टू होगा, और हम इसी की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस बार यहाँ क्या आएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है माइनस थ्री होता है, एल एन पे क्या होता है प्लस, मतलब दोनों बैलेंस्ड है, बैलेंस का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3:3, और 3:3 क्या हो जाता है 1:1, मतलब यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, मतलब इसका जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा रहेगा, बनेगा एल एन एन, क्लियर है, तो ये जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है एल एन एन, ठीक है। एल एन एन जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम है लैंथेनॉइड नाइट्राइड, लैंथेनॉइड नाइट्राइड का मतलब क्या, सीरियम नाइट्राइड, प्रेसियोडाइमियम नाइट्राइड, गैडोलिनियम नाइट्राइड, ल्यूटेशियम नाइट्राइड, कुछ भी लैंथेनॉइड्स में जो 14 तत्व है वो कुछ भी जुड़ेंगे वो इसी तरह से जुड़ेंगे, क्लियर। तो अब यदि यहाँ हम टू करते हैं नाइट्रोजन
नाइट्रोजन टू है ना हमारी यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन टू करते हैं, तो यहाँ लैंथेनॉइड भी कितने आ जाएंगे, टू, ठीक है। उसका नाम हो जाएगा क्या, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड का जो भी नाम है सीनियम से ड्यूटेरियम तक वो, और बाद में नाम क्या आ जाएगा, नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। उसके बाद हमारा सी जो इसमें आता है वो आता है सल्फर के साथ क्रिया, सल्फर के साथ क्रिया, सल्फर के साथ क्रिया सेम ऑक्सीजन जैसी होगी, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो सिमिलर होता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा उसको बताने की जरूरत है, हम ऑक्सीजन पे चार्ज देख चुके हैं। तो यहाँ एल एन होगा, रिएक्शन होगी द्वि परमाणु फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ और बनेगा एल एन टू ओ थ्री, सॉरी ऑक्सीजन ही सल्फर एस टू है तो एल एन टू एस थ्री, ठीक है। और एल एन टू एस थ्री का कंपाउंड बन रहा है, मतलब ये फोर होंगे, ये थ्री होगा, ये कितने होंगे, टू होंगे, और ये जो बनेगा वो बनेगा लैंथेनॉइड सल्फाइड, लैंथेनॉइड सल्फाइड, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था एफ्लोरीन का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक्टिनोइड्स में वैसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम में, हालांकि इनके अंतर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड है। तो जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अब इस क्लास के बाद, तो उस नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन है मतलब हम बोल सकते हैं इन दोनों में क्या क्या भिन्नताएँ हैं, क्या क्या विभेद हैं और क्या क्या समानताएँ हैं, उनको लेकर के इनके भेदों की बात करेंगे, इनके भिन्नताओं की बात करेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।